इस खिलाड़ी को ध्यान से देख लीजिए। आज का अगर विजेता कहें तो यह मोहम्मद शमी ही है। जी हाँ दोस्तों, जिस पर तरह तरह के आरोप लगाए गए, जिस खिलाड़ी को टीम से बाहर रखा गया, जिस खिलाड़ी को वर्ल्ड कप में जगह भी नहीं मिल रही थी, लेकिन आज वही खिलाड़ी वर्ल्ड कप जिताने की ओर भारत को ले जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह है मोहम्मद शमी। आप अच्छे से जानते हैं, यह वर्ल्ड कप की टीम में जगह नहीं बना पा रहे थे। हार्दिक पांड्या चोटिल हुए तो उसकी जगह पर मोहम्मद शमी को लिया गया, और मोहम्मद शमी जब से वर्ल्ड कप में एंट्री मारी है उसके बाद से छाए हुए हैं। और आज सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने मैच को रोमांचक बना दिया था। जिस तरह से लगातार न्यूजीलैंड के मिचेल ने 134 रन मारे और कैन विलियमसन ने 69 रन मारे, तो उसके चलते इनकी साझेदारी को तोड़ना ऐसे हो रहा था जैसे नामुमकिन हो, लेकिन इन दोनों को भी मोहम्मद शमी ने आउट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आज के मैच में मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लिए, और कोई सोच भी कैसे सकता है कि इतना बड़ा खिलाड़ी बन गया यह मोहम्मद शमी। जी हाँ दोस्तों, सोचकर और जानकर हर कोई हैरान है कि जिस खिलाड़ी को वर्ल्ड कप की टीम में जगह नहीं मिल रही थी, आज उसी ने एक तरफा मैच जिता दिया, वो भी इंडिया को। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद शमी, मोहम्मद शमी। आज पूरे मैदान में यही नाम गूंजा जब भारत की गेंदबाजी आई। जब बैटिंग थी तो विराट कोहली का नाम गूंज रहा था, लेकिन जब गेंदबाजी आई तो केवल मोहम्मद शमी का। वैसे तो मोहम्मद शमी को कप्तान रोहित शर्मा 7वें 8वें ओवर में लेकर आते हैं, लेकिन आज तीसरे ही ओवर में लेकर आ गई, और मोहम्मद शमी ने जो कर दिखाया वो अपने आप में अकल्पनीय, अद्भुत, अविश्वसनीय सारा कुछ हो गया। जी हाँ दोस्तों, आते ही मोहम्मद शमी ने पहले ही ओवर में विकेट ली, फिर दूसरा ओवर आया उसमें भी विकेट ली, और उसके बाद धीरे धीरे करते करते मोहम्मद शमी लास्ट तक 7 विकेट ले गए, और जिसके चलते मोहम्मद शमी ने इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेटें ले ली। आपको बता दें कि मोहम्मद शमी ने मैच बहुत कम खेले हैं, लेकिन विकेटों की जड़ी लगा दी है। आप सोचकर देखिए कि यह मोहम्मद शमी है जो कभी 5 विकेट लेता, कभी 5 लेता, फिर 4 लेता, फिर 5 लेता, फिर 7 लेता है। आप देखिए कि मोहम्मद शमी अकेले ऐसे गेंदबाज है। वैसे तो तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी है, मोहम्मद सिराज भी है, लेकिन मोहम्मद शमी ही है, क्योंकि मोहम्मद शमी का बराबरी का आज के समय में बॉलर कोई नहीं है। वैसे तो जसप्रीत बुमराह को बिल्कुल डेड ओवर मारने वाला बॉलर कहा जाता है, लेकिन मोहम्मद शमी के सामने शायद वो भी छोटे पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मोहम्मद शमी ने पहले न्यूजीलैंड की साझेदारी तोड़ी और उसके बाद विकेट पर विकेट निकालते गए, और मोहम्मद शमी ने जिस तरह की आज गेंदबाजी की है वह अपने आप में भारत के लिए वरदान साबित हुई है, और आज भारत को फाइनल में जाने का मौका मिल गया है, और न्यूजीलैंड से 2019 का बदला ले लिया गया है, क्योंकि जिस तरह से सेमीफाइनल में 2019 में न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था, वैसे ही आज भारत ने न्यूजीलैंड को रौंद दिया है। हालांकि न्यूजीलैंड तो शुरुआत से ही इस मैच में नहीं था, क्योंकि इतना विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था, लेकिन मिचेल और केन विलियमसन की उस बड़ी साझेदारी ने न्यूजीलैंड को मैच में बना दिया था, और एक समय ऐसा आ गया था कि जब तक मोहम्मद शमी जब दोबारा से गेंदबाजी का छोर नहीं संभाल रहे थे, तब ऐसे लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं वापसी कर जाएगी मैच में। और जिस तरह से मिचेल लगातार मोहम्मद सिराज को, जसप्रीत बुमराह को, रविंद्र जडेजा को छक्कों पर छक्के जड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं भारतीय कप्तान समेत पूरी भारत की टीम भी चिंतित थी कि कहीं मैच की कायापलट न हो जाए। इतना बड़ा मैच है, सेमीफाइनल मैच है, नॉकआउट मैच था, जिसमें के पहले ही भारत का प्रदर्शन खराब रहता ज्यादातर, लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद शमी ने जैसे ही गेंदबाजी शुरू की तो सबके सब मैच की कायापलट कर दी, और मोहम्मद शमी को यह श्रेय भी जाता है जीत का, जिस तरह की गेंदबाजी आज उन्होंने की है। हालांकि वैसे तो पूरे वर्ल्ड कप में ही मोहम्मद शमी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन जो आज करके दिखाया है वो शायद ही कोई उम्मीद लगा रहा था, लेकिन मोहम्मद शमी ने मुश्किल समय में विकेट निकाले और भारत को जीत दिला दी है 70 रन से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आज के मैच में जो कुछ खास रहा वो रहा सबसे पहले भारत की बैटिंग, जो कि रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ 47 रन बनाए, 29 बॉलों का सामना किया, 4 चौके और 4 छक्के लगाए, 162 का स्ट्राइक रेट रहा। उसके बाद सुमन गिल नॉट आउट रहे, उन्होंने 80 रन बनाए, 66 बॉलों का सामना किया, उन्होंने 8 चौके और
साथ में 3 छक्के भी लगाए। और उसके बाद वन डाउन पर आए कोहली, उन्होंने 117 रन बनाए, 113 बॉलों का सामना किया, 9 चौके और 2 छक्के भी लगाए। और सुरेश अय्यर जो कि लगातार अब जिस तरह से उनको भी जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन सुरेश अय्यर को जैसे ही वर्ल्ड कप में लिया गया तो अपना दम दिखाया और सुरेश अय्यर ने आज फिर 70 बॉलों पर 105 रन ठोके, 4 चौके और 8 छक्के लगाए और 150 का स्ट्राइक रेट। और यही कारण है कि आज भारत 70 रन से जीत गया, क्योंकि जिस तरह की सुरेश अय्यर ने पारी खेली थी। और केएल राहुल, उन्होंने भी 39 रन बनाए, 20 बॉलों का सामना किया, 5 चौके और 2 छक्के लगाए। और वहीं सूर्य कुमार यादव कुछ खास कर नहीं पाए, उन्होंने केवल 1 रन बनाया, वो भी 2 बॉलों पर। वहीं आपको बता देखिए, न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाए वो केवल मिशेल ने बनाए, जिन्होंने 134 रन बनाए 119 बॉलों पर, 9 चौके और 7 छक्के भी मारे थे। वहीं आपको बता दें, उनके अलावा केन विलियमसन ने 69 रन बनाए 73 बॉलों का सामना करते हुए, 9 चौके और 1 छक्का। ये एक ऐसी साझेदारी थी जिसको भारत को मुश्किल में डाल दिया था जिसने। और उसके बाद फिर फिलिप्स चले थोड़ा सा, वो 41 रन बना पाए, 33 बॉलों का सामना किया, 4 चौके लगाए और 2 छक्के। लेकिन इनके अलावा कोई भी खिलाड़ी 20 से ऊपर रन भी नहीं बना पाया, हालांकि 2 खिलाड़ियों ने 13-13 रन बनाए, बाकी तो बेचारे दाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। और यही कारण है कि आज भारत 70 रन से जीत गया है और फाइनल में भिड़ेगा 19 तारीख को, यानी कि रविवार को। अब कल होगा दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल, जो उनमें से टीम जीतेगी उसके साथ भारत का मुकाबला होगा। वहीं आपको बता दें, बॉलिंग की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने पूरे 10 ओवर किए, एक मेडल निकाला, 64 रन दिए और एक विकेट भी लिया। वहीं बात करें मोहम्मद सिराज की, ये काफी महंगे साबित हुए, शायद सबसे महंगे साबित यही हुए है भारत की तरफ से, 9 ओवर में 78 रन दिए लेकिन विकेट एक ही ले पाए। वहीं बात करें मोहम्मद शमी की, स्टार गेंदबाज, जिन्होंने अपना 10वां ओवर भी पूरा नहीं किया, एक बॉल बचा दी, 57 रन दिए हैं और 7 विकेट भी लिए हैं। वहीं रविंद्र जडेजा ने भी 10 ओवर में केवल 63 रन दिए हैं लेकिन विकेट कोई नहीं मिल पाया है। कुलदीप यादव ने भी 10 ओवर में 56 रन दिए हैं लेकिन एक विकेट भी लिया है। लेकिन आज पूरा का पूरा श्रेय सीधा सीधा मोहम्मद शमी को जाता है, जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की और भारत की वापसी करवाई इस सेमीफाइनल में। और अब भारत फाइनल वर्ल्ड कप खेलेगा 19 तारीख को, देखना होगा कि दक्षिण अफ्रीका के साथ होगा या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। कल मैच शुरू होगा 12:30 बजे, देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका जीतती है या फिर ऑस्ट्रेलिया जीतती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या आपको भी लगता है कि दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में से जो टीम जीतेगी, क्या वह भारत के सामने टिक पाएगी? क्योंकि आज के समय भारत के सामने कोई भी टीम टिक नहीं पा रही है और यही कारण है कि भारत विश्व विजेता बनकर रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की।